स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात करें मौसमी विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों मौसमी विभाग ने 17 से लेकर 18 जुलाई के लिए मानसून पूर्वानुमान जारी कर दिया है, तो आइए जानते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते हैं अपडेट की ओर, कैसा रहने वाला है मानसूनी सिस्टम, सबसे पहले यह जान लेते हैं। दोस्तों मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, लुधियाना, कपूरथला से होते हुए गुजर रही है। वहीं मध्य पाकिस्तान और इससे सटे पंजाब पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए नागालैंड तक एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। इसके अलावा कर्नाटक से केरल के तटीय भागों तक भी एक ट्रफ रेखा फैली हुई है। वहीं अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान पर एक पश्चिमी विक्षोभ स्थित है। बीते 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक पर मानसून जोरदार बना रहा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों समेत पूर्वोत्तर बिहार और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहा। पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में मानसून सामान्य बना रहा। वहीं दक्षिणी हरियाणा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंतरिक कर्नाटक में मानसून की कमी दर्ज की गई। बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून के प्रदर्शन की, दोस्तों तो इस दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल के इलाकों में मानसून सक्रिय बना रह सकता है। वहीं जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर बिहार, हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, ओडिशा, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के भागों में मानसून सक्रिय से सामान्य बने रहने के आसार हैं। इसके अलावा हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों सहित रायलसीमा, तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में मानसून सामान्य बने रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात और तेलंगाना में मानसून जो है कमी रहने की आशंकाएं बनी हुई है। तो दोस्तों अगर लेटेस्ट अपडेट 17 और 18 जुलाई के मानसून पूर्वानुमान को लेकर वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सके मानसून के पूर्वानुमान को और संभावनाओं को और सावधान सतर्क रह सके। स्टूडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।